तुम वही हो ना जो 20 रुपए लेके आए थे। अगर बढ़ा के लाने हो तो अब की बार आ जाना। अच्छा कितने बढ़ा देगा, 20 के 30 कर देगा भाई साहब? इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। देखो जब मफतलाल जी के कार्यक्रम में आए तो जितने आ जाए उतने बटे। सुनिएगा भाई, मैं आपके बीच में अपनी आहुति रख रहा हूँ, आहुति। सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हाँ, बस एक तेरी वजह से ही ना उस वो तुझे छोड़ के गई थी, इसी वजह से। गलत टाइम पर, गलत टाइम, तुम गलत टाइम पे बोल पड़ते हो। लड़की फूल लेके आई इसके लिए, लड़का बीच में बोल बटा रहा मेरे लिए फूल, कह रहे ना भाई तेरे लिए तो बिल्कुल भी ना। तो सुनना भाई मेरे संग क्या हुआ, मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ। तुम में से बस एक बार हाथ उठा के बता दो कितने लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में और हरियाणा में आज भी जब लड़की विदा होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए जिस जिसको ये पड़ता पता है ना। मैं बतलाता हूँ, आज भी हमारे यहाँ पे होता है जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के जाता है। अब एक दृश्य आपको दे रहा हूँ, दिल्ली में एक शादी हुई और लड़की का वजन 150 किलो। ये तो बहू जी विनोद भाई मंच की तीनों कवित्रियां जोड़ दो जब भी नहीं बने। अरे ये मेरे को भी जोड़ लेंगे तब भी ना बने 150 किलो। तो यहाँ पे दृश्य नंबर दो, उस लड़की का कोई सगा मामा नहीं। तो अब लड़की के बाप से पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब लड़की के बाप ने गांव के लड़कों के नाम देखे और वो भी उन लड़कों को जो बचपन से उसके संग खेलते आ रहे, तो बोला बेटे विशाल। अब विशाल तो जानता था, विशाल वहीं पे खड़ा था, विशाल तो जानता था कि बचपन में जब ये स्टापुर खेलती थी स्टापुर पे पैर धरते स्टापुर के 100 टुकड़े हो जाते थे। बोला बेटे विशाल, बेटे उठेंगे जरा। विशाल एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा तो पथरी फटके बात। अच्छा ठीक है रुक जा। बेटे अनिल, अब बोल दो अब भी कोई अनिल है? है कोई, कोई राहुल है? राहुल कहाँ है? एक बार हाथ उठा दे राहुल। बेटा तुझे पता नहीं मैं रिश्ते भी करवाता हूं। तो इधर राहुल खड़ा था, राहुल को देखते ही राहुल को जैसे बोला अरे बेटे राहुल उठा दियो, राहुल यही भूल गया मैं आदमी हूं औरत हूं। राहुल को जैसे अरे बेटे राहुल उठाइए, राहुल बोला मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक। अब आपने शादियों में एक लाइन बोलते हुए हर व्यक्ति को देखा होगा, चाहे उसे आपने बुलाया हो या ना बुलाया हो, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना बाबूजी, बाबूजी मेरे। अब बाबूलाल डिंगिया जी को देखो आप पीछे, इतना पतला सा आदमी और पीछे से किसी से सबसे पूछता रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम। ये पूछते पूछते वो लड़की के बाप तक आ गया, खुद का वजन बेचारे का 42 किलो और लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो अब उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी या क्या करना है? अंकल जी भैया उठानी पड़ेगी ये। अभी अंकल जी दिल्ली में एक शादी हुई थी तो लड़की ने कंधे पे हाथ रख दिया तो चलते चलते, नहीं बेटे हमारे यहां तो उठाते हैं। अच्छा छुटकी ना ये तो मुटकी है, मुझसे ना उठाइयो। सबने बोला नहीं बेटे अब तूने बोल दिया। उससे उठ भी नहीं रही थी, उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर बच्चे सारे नोज हिल के खड़े हुए थे, यही प्यारे प्यारे से छोटे बच्चे, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गा दिया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां का गेट। वो लड़की को लेके जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही गया था,
कि लड़की के मन में फिर माँ के प्रति प्यार जग गया। वो बाएं छुड़ा के माँ के पास भाग के आ गया। बाप कह रहा जा लेके आ, कह रहा लेके आ मतलब ये राहुल के यहां तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे ले आओ, राहुल भी खड़ा है, राहुल ने देखा है, बस यहां तक बुला लो मुझे। कह रहे नहीं दोबारा से लेके आ। अब उसने उठाने की दोबारा कोशिश की, अब की बार बच्चों ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, क्या फायदा ये ताली तो बजानी ने, मैं उठा के राइज है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी और उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था और उसे हाथ धर के बोल रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, नंद को बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। आगे बढ़ा तो लड़की का बाप खड़ा करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया, कह रहा कौन सी बच्ची, फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे, केक ला दिया लाड़ लाड़ में। एक तो पहले ही नो झील के लोग ताली नहीं बजा रहे इस पर। आगे बढ़ा तो भाई साहब जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे, उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े। पत्नी बोली आज ना बचे गए, उसकी नजर पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या रोवे क्यों है कौशल्या, या तो आज यो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना के है इसमें। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना, बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को मफत लाल अग्रवाल से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो 5,000 का कभी बनवाई दे। आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई, लड़की की बुआ उसके पैरों में लेट गई और अपने दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लिए, जकड़ लिए। लड़की की बुआ ना जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं ना ले जान दूं, मैं अपनी बेटी को ना ले जान दूं। बोला देख जिसने तुम्हारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। बुआ बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जान दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो मेरे हाथ से छूट रही है और ये हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो जैसे ही वहां पे आगे बढ़ा अगले का पैर नहीं बढ़ रहा, उसको लग रहा बस अब गिर जाऊंगा अब गिर जाऊंगा। नो झील के लड़के फिर दोबारा शायद चांदनी चौक टू चाइना का गाना लेकर, अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा दिखा जलवा, मंजिल खुद पास आई, दिखा जलवा टूटे तारों को चमक लहण दे, आज फटे चक लहण दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आकर, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा, वो बिल्कुल लड़की के, वो बिल्कुल उस गेट तक पहुंच गया, उसे बिल्कुल गेट के बाहर वो खड़ी हुई गाड़ी दिखने लगी। अब उसकी आंखों में चमक आ गई, बस अब तो गेट आ गया। वो गेट तक ही पहुंचा था फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा साड़ो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी बोलती कैसे 1945 में पैदा। भैया क्या कह रही है, यूं कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहता है सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया, दादी पहले की दादियां एक लाइन बोलकर लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंच गया,
अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक मुझे बोल बोला जल्दी से दरवाजा खोल। वो ड्राइवर बोला अंकल जी योगा डी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के वो 10वीं गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचा कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी भैया कहां से स्टार्ट हो गए तू, अंकल जी वो मजाक कर रहा है वही गाड़ी थी वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पर लेके आया कर सर था ना मजाक सोचा मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो जैसे ही वहां पे बोलकर जल्दी से दरवाजा खोल उसका ड्राइवर अंकल जी इसका दरवाजा नहीं खुल रहा पता नहीं क्यों साइड से ले जाओगे, हाँ ले जा रहा हूँ। वो साइड से ले जा रहा तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ, कह रहा क्या हो गया, कह रहा अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बोला बेटा गाय ना बोल यहाँ से भैंस आ रही है। अगले ने जैसे ही गाड़ी में लड़की बिठाई गाड़ी के चारों टायर पंचर, लड़की का बाबू लड़ निकाल, कह रहा निकाल मतलब भैया ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से, पर किसी तरीके से गाड़ी काटी गई लड़की बाहर निकाली गई और जेसीपी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली, लड़की का बाप बोले चैन की सांस क्यों ले वे? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी तने फिर लेके आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच विनोद पाल, थैंक यू।